डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम रेफ की मात्रा वाले हिंदी के शब्द और वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है रेफ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य जो है पढ़ना आ जाए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो है हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। रेफ यानी आधे अक्षर जो होता है ना, उनको पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस क्लास में जो है हम रेफ की मात्रा वाले जो भी शब्द हैं उन सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रेफ रॉ रेफ, ठीक है, आज हम क्लास में सीखने वाले रेफ। तो देखिए रेफ की मात्रा किस प्रकार की होती है। तो देखिए रेफ की मात्रा जो है इस प्रकार की होती है, ये जो है रेफ की मात्रा है, ठीक है। इसका उच्चारण जो होता है ना, आधा र होता है, यानी ये जो होता है ना आधा र, हम हिंदी में आधा र नहीं लिखते हैं, या आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसके बदले जो है ना ये रेफ मिलेगा आपको आधे र के बदले में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब जो है हम रेफ की मात्रा का जो है प्रयोग जब किसी अक्षर पे होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए ये जो होगा ना, इस तरह से प्रयोग होगा, ये जो होगा किसी अक्षर के ऊपर इस तरह से लगता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका उच्चारण जो है ना आधा र होगा, और ये जो है जिस अक्षर पे लगा हुआ रहता है उस अक्षर के साथ नहीं होता है उच्चारण। उस अक्षर से पहले वाला जो अक्षर आया हुआ रहेगा, उस अक्षर के बाद जो है आधा र उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ग है और यहाँ पे म है, म के ऊपर क्या है रेफ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, यानी आधा र जो है यहाँ पे लगी हुई है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, जब भी रेफ किसी अक्षर के ऊपर लगा रहे या शब्द में लगा रहे तो उस रेफ का उच्चारण जो है ना जिस अक्षर पे लगा रहेगा उसके साथ नहीं होगा, उससे पहले वाले अक्षर के बाद आधा र उच्चारण करेंगे। देखिए ग, फिर यहाँ पे रेफ है, यानी आधा र उच्चारण करेंगे ग के बाद, फिर यहाँ पे मौत, इसको पढ़ेंगे गर्म, गर्म इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके बाद जो है हम रेफ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ब, फिर यहाँ पे आधा र है और यहाँ पे फ है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना आधा र, यही आधा र जो है ना रेफ बन जाता है, और ये जो है इसके बाद वाले अक्षर के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण करते समय जो है जिस अक्षर के ऊपर लिखा हुआ रहता है उसके साथ नहीं होता है, इससे पहले वाले अक्षर के बाद जो है हम इस आधा र का उच्चारण करेंगे। देखिए यहाँ पे ब आधा र, यहाँ पे फ, तो देखिए ब और इस आधे र के बाद अक्षर जो है ना फ है, फ के ऊपर जो है रेफ यहाँ पे लिखा गया है, रेफ, देखिए रेफ, इसका जो है आधा र उच्चारण करेंगे जिस अक्षर के ऊपर रहेगा उससे पहले वाले अक्षर के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब और फ के ऊपर क्या है रेफ, यानी इस रेफ का उच्चारण जो है ना ब के बाद आधा र करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बर्फ, बर्फ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम बर्फ, बर्फ नहीं पढ़ेंगे, यानी रेफ जो है ना जिस अक्षर के ऊपर लगा रहेगा यानी ऊपर लिखा हुआ रहेगा उस अक्षर के साथ उसका उच्चारण नहीं करेंगे, उससे पहले वाला जो अक्षर होगा ना उसके बाद आधा र उच्चारण करेंगे, पूरा र नहीं आधा र। जैसे यहाँ पे देखिए ब, फिर यहाँ पे देखिए फ, फ के ऊपर क्या रेफ, तो इस रेफ का उच्चारण इस ब के बाद आधा र करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बर्फ, बर्फ नहीं होगा बर्फ। यहाँ पे देखिए न आधा र, यहाँ पे स है तो इसको क्या पढ़ेंगे नर्स, देखिए यहाँ पे भी रेफ है तो इस रेफ का उच्चारण क्या होगा न के बाद आधा र करेंगे, ठीक है नर्स, इसको नरस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे नर्स। तो चलिए अब जो है हम यहाँ पे शब्दों को पढ़ना सीखते हैं ध्यान से। आप यहाँ पे क्लास कीजिए, आपको जो है रेफ वाले मात्रा का जो भी शब्द है वो पढ़ना आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क और यहाँ पे म, म के ऊपर क्या है रेफ, तो इस रेफ का उच्चारण आधा र जो होगा क के बाद होगा, तो इसको पढ़ेंगे कर्म, क म, म के ऊपर रेफ, तो इसको पढ़ेंगे कर्म, इसको कर्म नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको देखिए
च और यहाँ पे म, म के ऊपर क्या है रेफ है, तो इस रेफ का उच्चारण जो होगा ना इस च के बाद होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे चर्म। यहाँ पे देखिए न और यहाँ पे स है और स के ऊपर क्या है रेफ है, तो इस आधा र का उच्चारण जो होगा ना इस न के बाद होगा, इसको पढ़ेंगे नर्स। ह और यहाँ पे श, श के ऊपर रेफ है तो इसको पढ़ेंगे हर्ष। फ और यहाँ पे श और स के ऊपर क्या है रेफ है, तो इस रेफ का उच्चारण जो होगा ना इस फ के बाद होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे फर्श, फर्श नहीं पढ़ेंगे फर्श, यानी जो आधा र उच्चारण होगा ना वो जल्दी र का हम उच्चारण जल्दी कर देंगे फर्श, ठीक है। यहाँ पे देखिए पू और व, व के ऊपर रेफ है तो इसको पढ़ेंगे पूर्व। इसी प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ेंगे शु और य के ऊपर रेफ तो इसको पढ़ेंगे सूर्य। धू और यहाँ पे त, त के ऊपर रेफ तो इसको पढ़ेंगे धूर्त। क और अण, अण के ऊपर क्या है रेफ है तो इसको पढ़ेंगे कर्ण। ग और यहाँ पे म, म के ऊपर क्या है रेफ है तो इसको पढ़ेंगे गर्म, गर्म नहीं क्या पढ़ेंगे गर्म, यानी यह जो रेफ है ना इस रेफ का आधा र उच्चारण जो होगा इस ग के बाद होगा, ठीक है। ख च के ऊपर रेफ है तो इसको पढ़ेंगे खर्च। ध और यहाँ पे म, म के ऊपर रेफ है तो इसको पढ़ेंगे धर्म। देखिए यहाँ पे आ और यहाँ पे य के ऊपर क्या है रेफ है तो इसको पढ़ेंगे आर्य। शा और यहाँ पे क पे क्या है रेफ है तो शा के बाद जो है आधा र उच्चारण करेंगे शार्क। का और यहाँ पे य के ऊपर क्या है रेफ है तो इसको पढ़ेंगे कार्य। ख और यहाँ पे देखिए च में आ की मात्रा इसको पढ़ेंगे चा और इसके ऊपर क्या है रेफ है तो इस रेफ का उच्चारण ख के बाद आधा र होगा तो इसको पढ़ेंगे खर्चा। च और यहाँ पे चा फिर यहाँ इसके ऊपर क्या रेफ है तो इसको पढ़ेंगे चर्चा। पा और यहाँ पे क, क के ऊपर क्या रेफ है इसको पढ़ेंगे पार्क। यहाँ पे देखिए माँ और यहाँ पे ग, ग के ऊपर क्या रेफ है तो इस रेफ का आधा र उच्चारण करेंगे माँ के बाद, ठीक है। मार्ग, मार्ग नहीं पढ़ेंगे मार्ग। फा और यहाँ पे म, म के ऊपर क्या रेफ है इसको पढ़ेंगे फार्म। स और यहाँ पे देखिए द, द में बड़ी ई की मात्रा दी और यहाँ पे रेफ है तो इस रेफ का उच्चारण स के बाद होगा सर्दी। व और यहाँ पे शा, शा के बाद क्या है रेफ है वर्षा। ग और यहाँ पे देखिए मी, म में क्या है यहाँ पे देखिए रेफ है, बड़ी ई की मात्रा के बाद क्या है रेफ है तो इसको पढ़ेंगे गर्मी। यहाँ पे देखिए ब, त, त के ऊपर क्या है रेफ है फिर यहाँ पे न है तो देखिए इस रेफ का उच्चारण जो होगा ना ब के बाद आधा र उच्चारण करेंगे इसको पढ़ेंगे बर्तन। बर्तन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बर्तन। देखिए यहाँ पे नी, म, म के ऊपर क्या है रेफ है और यहाँ पे ल है तो इसको पढ़ेंगे निर्मल। अ, प, प के ऊपर क्या है रेफ है और यहाँ पे अण है तो इसको पढ़ेंगे अर्पण। यहाँ पे देखिए द, श, श के ऊपर क्या है रेफ है और यहाँ पे न है तो इसको पढ़ेंगे दर्शन। यहाँ पे देखिए ग और यहाँ पे ज, ज के ऊपर क्या है रेफ है और यहाँ पे न है तो इसको पढ़ेंगे गर्जन। यहाँ पे देखिए नी, भ है यहाँ पे, भ के ऊपर क्या है रेफ है और यहाँ पे य है तो इसको पढ़ेंगे निर्भय, यानी इस रेफ का हम आधा र उच्चारण करेंगे इस न, नी के बाद, ठीक है। तो ये हो गया निर्भय। द, प, प के ऊपर क्या है रेफ है और यहाँ पे अड़ा है तो इसको पढ़ेंगे दर्पण। यहाँ पे देखिए स, त और क के ऊपर क्या है रेफ है तो इसको पढ़ेंगे सतर्क, यानी त के बाद जो है आधा र उच्चारण करेंगे इस रेफ का, ठीक है सतर्क। प, व, व के ऊपर रेफ और यहाँ पे त, इसको पढ़ेंगे पर्वत। ग और यहाँ पे द, द में क्या है रेफ है और यहाँ पे न है तो इसको पढ़ेंगे गर्दन। अ और यहाँ पे च है, च के ऊपर क्या है रेफ है और यहाँ पे ना है तो इसको पढ़ेंगे अर्चना। यहाँ पे देखिए धा और यहाँ पे म, म में छोटी ई की मात्रा और फिर यहाँ पे रेफ है और फिर यहाँ पे क है तो देखिए धा, धा के बाद आधा र उच्चारण करेंगे धार मिक, क्या पढ़ेंगे इसको धार्मिक। माँ फिर यहाँ पे देखिए म, म में छोटी की मात्रा और फिर इसमें रेफ है और यहाँ पे क है तो इसको माँ, माँ के बाद आधा रेफ का उच्चारण करेंगे आधा र मार मिक, मार्मिक। यहाँ पे देखिए स, म, थ के ऊपर रेफ है और यहाँ पे न है तो इस रेफ का उच्चारण म के बाद आधा र करेंगे समर्थन। देखिए स, म, म के बाद आधा र उच्चारण करेंगे इस रेफ का फिर यहाँ पे थ न समर्थन। ध, म, म के ऊपर रेफ है वी र तो इसको पढ़ेंगे धर्मवीर।
सु के ऊपर रेफ और यहाँ पे ना, तो इसको पढ़ेंगे सुदर्शन। स म प प के ऊपर रेफ, यहाँ पे आड़ा, तो इसको पढ़ेंगे समर्पण। क और यहाँ पे म, म के ऊपर रेफ, वी अर, इसको देखिए क के बाद आधा रा उच्चारण करेंगे इस रेफ का, कर्म वीर। स, स के ऊपर बिंदी है, इस बिंदी का आधा न उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे जो है आधा म उच्चारण करेंगे। सम पू आड़ा, और आड़ा के ऊपर क्या है रेफ है, तो इस रेफ का पू के बाद उच्चारण आधा र करेंगे, तो इसको पढ़ेंगे संपूर्ण। तो इस प्रकार से आप जो है रेफ की मात्रा वाले शब्दों को आप पढ़ना सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस भी अक्षर के ऊपर रेफ रहे तो इस रेफ का उच्चारण जो होगा, इस अक्षर के पहले जो अक्षर आया रहेगा ना, यानी क है, यानी म से पहले अक्षर क्या है क, तो क के बाद जो है हम आधा र उच्चारण करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे कर्म, इसको कर्म नहीं पढ़ेंगे, इस रेफ का जो है ना पूरा र उच्चारण नहीं करेंगे, हम आधा र उच्चारण करेंगे। जिस अक्षर पे लगा रहेगा उस अक्षर से पहले वाले अक्षर के बाद जो है आधा र उच्चारण करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैंने इसको आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है रेफ वाला जो शब्द है ना उसको पढ़ना आ जाए। तो चलिए अब जो है हम इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, यानी बिना उच्चारण किए हुए हम रेफ की मात्रा वाले शब्दों को हम पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था क और यहाँ पे म, म के ऊपर क्या है रेफ है, तो इस रेफ का उच्चारण जो है ना म के साथ नहीं होगा, इससे पहले वाले अक्षर जो है ना क आया है, क के बाद हम आधा र उच्चारण करेंगे, तो इसको हमने पढ़ा था क, म, म के ऊपर रेफ है, तो इसको पढ़े थे कर्म, इसको कर्म नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कर्म, तो इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे कर्म। देखिए यहाँ पे चर्म, नर्स, हर्ष, इसको हर्ष नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हर्ष, फर्श, पूर्व, सूर्य, धूर्त, कर्ण, गर्म, खर्च, धर्म, आर्य, शार्क, कार्य, खर्चा, चर्चा, पार्क, मार्ग, फार्म, सर्दी, वर्षा, गर्मी, बर्तन, निर्मल, अर्पण, दर्शन, गर्जन, निर्भय, दर्पण, सतर्क, पर्वत, गर्दन, अर्चना, धार्मिक, मार्मिक, समर्थन, धर्मवीर, सुदर्शन, समर्पण, कर्मवीर, संपूर्ण। तो इस प्रकार से आप जो है रेफ की मात्रा वाले शब्दों को आप डायरेक्ट पढ़ना सीख सकते हैं, यानी आप जो है उच्चारण करके और बिना उच्चारण किए हुए आप दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो आप पहले उच्चारण करके आप पढ़ना सीखिए, फिर उसके बाद जो है जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़कर समझ लीजिएगा तब उसके बाद जो है आप इसको डायरेक्ट जो है एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार हो आप इसको बार बार पढ़िएगा ताकि आपको जो है रेफ की मात्रा वाला शब्द जो है आपको पढ़ना आ जाए। रटना नहीं है, आपको समझकर पढ़ना है ताकि रेफ की मात्रा वाला कोई भी शब्द हो तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम रेफ की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब जो है हम रेफ की मात्रा वाले वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हम जो है वाक्य जो है डायरेक्ट पढ़ना यहाँ पे हम सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, कृषक, कर्मवीर, सूर्य के उगने से पूर्व उठ जाता है, उठकर वह पार्क में सैर पर जाता है, गर्मी, वर्षा व सर्दी तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है, सूर्य
सदैव पूर्व दिशा में उगता है। कर्मवीर सूर्य के दर्शन करता है, फिर वह भगवान की पूजा अर्चना करता है। वह बहुत ही कर्मठ कृषक है। कर्मवीर धर्म कर्म के सभी कार्य में संपूर्ण करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है रिफ की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीख सकते हैं। तो आप जो है इस क्लास को आप बार बार रिपीट करते रहिए। रिफ की मात्रा वाले शब्द और ये जो है वाक्य है, इनको आप बार बार रिपीट करके पढ़िए, या आपके पास बुक है तो आप बुक में से बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, इसको पढ़िए, ताकि आपको जो है रिफ की मात्रा वाला शब्द जो है पढ़ना आ जाए। क्योंकि हिंदी पढ़ने में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो इन्हीं सभी में प्रॉब्लम आती है, यानी रेफ की मात्रा वाला, और एक और आता है रेफ की पदेन जो नीचे लगा हुआ रहता है इस प्रकार से जैसे। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको हम कराएंगे। तो आप जो है आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको जो है रेफ की मात्रा वाला जो शब्द है और वाक्य जो है पढ़ना आ जाए, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ तो उसको आप अच्छे तरीके से समझकर पढ़ना सीख जाएंगे। तो गाइज, आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से रेफ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य जो है पढ़ना सीख जाए। और आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं, यानी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।